नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है गुरुकुल एकेडमी ऑफिशियल। दोस्तों, आज हम आपके लिए करंट अफेयर्स 2019 के टॉप 30 क्वेश्चंस लेकर आए हैं। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं, मोस्ट वेयर क्वेश्चन हैं, आपके एग्जाम में आ सकते हैं। दोस्तों, आप लोग किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल रहने वाले, बहुत ही फायदेमंद रहने वाली। दोस्तों, अगर आप लोग रेलवे NTPC ग्रुप डी, SSC CGL, CPO, MTS, CSL या फिर अगर आप लोग तैयारी करें किसी स्टेट लेवल पे एग्ज़ाम्स की या फिर आप तैयारी करें फोर्स के एग्ज़ाम की, दोस्तों सभी एग्ज़ाम्स के लिए ये वीडियो, ये क्वेश्चन बहुत ही फायदेमंद रहने वाले, बहुत ही यूजफुल रहने वाले। दोस्तों, हम यहाँ पर डेली एक वीडियो प्रोवाइड करवा रहे हैं। दोस्तों, जितने भी 2019 के टॉप क्वेश्चन बनते ना, सबको दोस्तों एक महीने के अंदर कवर करवा देंगे। दोस्तों, एक महीने के अंदर आपको 2019 करंट अफेयर्स के 1000 क्वेश्चन प्रोवाइड करवाएंगे। 2019 में दोस्तों उनसे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला है। तो फ्रेंड्स, आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। आपसे रिक्वेस्ट है, प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और दोस्तों, वीडियो के अंत में बताना कितने क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए, कितने क्वेश्चन आपने सही किए हैं। और दोस्तों, अगर आप लोग यहाँ पे नए हैं तो आप लोग जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ में बेल आइकन पर भी क्लिक कर लेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करें। तो फ्रेंड्स, चलेगा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, हमारा पहला क्वेश्चन देखिए कि हाल ही में दुनिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं। मोस्ट वेयर क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आ सकता है कि हाल ही में दुनिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं। कौन बने हैं? बिल गेट्स। ऑप्शन नंबर सी फ्रेंड्स हमारे यहाँ पर राइट आंसर होगा। हाल ही में दुनिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति बने हैं बिल गेट्स। ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पर राइट आंसर होगा। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय T20 क्रिकेट में सर्वाधिक छक्के लगाने का रिकॉर्ड किसने बनाया? किसने? रोहित शर्मा ने बनाया। ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पर राइट आंसर होगा। हाल ही में सिल्क समाग्रा के तहत किस राज्य को 6.22 करोड़ रुपए दिए जाएंगे? किसको दिए जाएंगे? जी हाँ, जी हाँ फ्रेंड्स, बिल्कुल, किसको? तमिलनाडु को। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा। देखिए, हाल ही में समर्थ पहल की शुरुआत किसने की है? हाल ही में समर्थ पहल की शुरुआत किसने की है? जी फ्रेंड्स, किसने की है? जी फ्रेंड्स, बिल्कुल, किसने? फ्लिपकार्ट ने। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा। हाल ही में सुशासन पर क्षेत्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? कहाँ पर? जयपुर में। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। देखिए आगे, हाल ही में प्राइड ऑफ द नेशन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? हाल ही में प्राइड ऑफ द नेशन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? किसको? डॉक्टर विनायक एम हिरमथ को। ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पर राइट आंसर होगा। हाल ही में एरो 3 मिसाइल का सफलतापूर्वक प्रशिक्षण किस देश ने किया है? किसने किया है दोस्तों? इसराइल ने किया है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। आगे देखिए, हाल ही में स्टार्टअप ब्लू टेलोन का अधिग्रहण किसने किया है? जी फ्रेंड्स, किसने किया है? माइक्रोसॉफ्ट ने किया। किसने? माइक्रोसॉफ्ट ने किया है। ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पर राइट आंसर होगा। आगे देखिए, चलिए, हाल ही में 5वां अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? कहाँ किया गया है? राजगीर में किया गया है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। हाल ही में दुनिया का सबसे छोटा बंदर जीवाश्म कहाँ मिला है? कहाँ से मिला है? पेरू से। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। चलिए फ्रेंड्स, आगे देखिए, हाल ही में पराग कणों की रक्षा के लिए वैश्विक गठबंधन में कौन सा देश शामिल हुआ है? हाल ही में पराग कणों की रक्षा के लिए वैश्विक गठबंधन में कौन सा देश शामिल हुआ है? कौन सा? नाइजीरिया शामिल हुआ है। ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पर राइट आंसर होगा। हाल ही में 25 टेस्ट शतक लगाने वाले दूसरे सबसे तेज बल्लेबाज कौन बने हैं? जी फ्रेंड्स, कौन बने हैं? स्टीव स्मिथ बने। कौन? स्टीव स्मिथ। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा। हाल ही में सर्वाधिक T20 रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज कौन बने हैं? जी फ्रेंड्स, कौन? विराट कोहली बने हैं सर्वाधिक T20 रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सेना स्काउट मास्टर्स प्रतियोगिता कहाँ शुरू हुई है? कहाँ पर? जैसलमेर में। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा। हाल ही में माइंडट्री लिमिटेड के MD & CEO के रूप में किसको नियुक्त किया गया है?
मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के रूप में किसको नियुक्त किया गया है, माइंडरी लिमिटेड की जी फ्रेंड्स, किसको, देवाशीष चटर्जी को, ऑप्शन नंबर डी यहां पे हमारा राइट आंसर होगा, देवाशीष चटर्जी। हाल ही में किस खिलाड़ी ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लिया है, हाल ही में किस खिलाड़ी ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लिया, किसने लिया है, डेल स्टेन ने, ऑप्शन नंबर बी यहां पे हमारा राइट आंसर होगा। हाल ही में अमेरिका ने किस देश को करेंसी मैनिपुलेटर लेवल दिया है, हाल ही में अमेरिका ने किस देश को करेंसी मैनिपुलेटर लेवल दिया है, किसको, चीन को दिया है, ऑप्शन नंबर ए यहां पे हमारा राइट आंसर होगा। हाल ही में किस राज्य में कोसी मेची अंतर क्षेपण परियोजना को मंजूरी दी गई है, किस राज्य को जी फ्रेंड्स, बिल्कुल किस राज्य को दी गई है, जी हां बिहार को दी गई है, ऑप्शन नंबर बी हमारे यहां पे राइट आंसर होगा। हाल ही में आईआईएस अधिकारियों द्वारा दूसरा अखिल भारतीय वार्षिक सम्मेलन कहां आयोजित किया गया है, कहां पर, नई दिल्ली में किया गया है, ऑप्शन नंबर सी हमारे यहां पे राइट आंसर होगा। फ्रेंड्स ये आईआईएस क्या है, जो टर्म दी गई ना, आईआईएस क्या है, इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस, आईआईएस का मतलब है इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस। देखिए हाल ही में आमिर खान ने किस राज्य में मिशन शक्ति सपोर्ट्स पहल शुरू की है, हाल ही में आमिर खान ने किस राज्य में मिशन शक्ति सपोर्ट्स पहल शुरू की है, किस राज्य में की है, महाराष्ट्र में की है, ऑप्शन नंबर बी हमारे यहां पर राइट आंसर होगा। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ेगा, देखिए हाल ही में किस विश्वविद्यालय के छात्रों ने 3D स्मार्ट ट्रैफिक सिग्नल लॉन्च किया है, हाल ही में किस विश्वविद्यालय के छात्रों ने 3D स्मार्ट ट्रैफिक सिग्नल लॉन्च किया है, जी चंडीगढ़ विश्वविद्यालय के छात्रों ने हाल ही में 3D स्मार्ट ट्रैफिक सिग्नल लॉन्च किया है, ऑप्शन नंबर सी हमारे यहां पर राइट आंसर होगा। हाल ही में किस राज्य की विधानसभा ने मॉब लिंचिंग और ओनर किलिंग के खिलाफ बिल पारित किया है, किसने किया जी, राजस्थान राज्य की विधानसभा ने, ऑप्शन नंबर बी हमारे यहां पर राइट आंसर होगा। देखिए आगे हाल ही में दुनिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं, हाल ही में दुनिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं जी फ्रेंड्स, सभी लोग बताएंगे जल्दी, कौन बने हैं जी फ्रेंड्स, कौन बने हैं, बिल गेट्स बने हैं, ऑप्शन नंबर सी हमारे यहां पे राइट आंसर होगा। दोस्तों पहले नंबर पे कौन है, हाल ही में दुनिया के पहले सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं, दूसरे हो गए हैं बिल गेट्स, पहले कौन है, पहले हैं अमेजोन के फाउंडर जेफ बेजोस, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना फ्रेंड्स, याद रखिएगा कि दुनिया के पहले सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने 2019 में, अमेजोन के फाउंडर जेफ बेजोस। हाल ही में किसने धारा 370 को खत्म करने के लिए प्रस्ताव राज्यसभा में पेश किया है, किसने किया जी, अमित शाह ने किया, किसने, अमित शाह ने किया है, ऑप्शन नंबर बी हमारे यहां पे राइट आंसर होगा। हाल ही में कहां प्रौद्योगिकी एक्सपो का उद्घाटन किया गया है, कहां पर किया गया है, आईआईटी दिल्ली में, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली में, ऑप्शन नंबर सी यहां पे राइट आंसर होगा। हाल ही में आरबीआई ने किस बैंक पर 50 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है, किस पर लगाया जी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पर, SBI पर लगाया है। दोस्तों आरबीआई के वर्तमान में गवर्नर कौन है, शशिकांत दास जी हैं, और फ्रेंड्स SBI की स्थापना कब हुई थी, SBI की स्थापना 1955 में, 1955 में, और आरबीआई की स्थापना 1935 में आरबीआई की स्थापना हुई थी। हाल ही में सक्रू न्यूज ग्लोबल एजुकेटर्स फेस्ट की मेजबानी कौन करेगा, कौन करेगा, उदयपुर करेगा, ऑप्शन नंबर बी हमारे यहां पे राइट आंसर होगा। आगे देखिए चलिएगा, हाल ही में 8वीं RCEP बैठक कहां आयोजित की गई है, कहां पर, चीन में की गई, हाल ही में 8वीं RCEP बैठक की बैठक आयोजित, ऑप्शन नंबर ए यहां पे हमारा राइट आंसर होगा। फ्रेंड्स RCEP क्या है, RCEP का मतलब है रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, क्या फ्रेंड्स, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। हाल ही में भारत ने क्यूआर सैम का सफलतापूर्वक परीक्षण कहाँ किया है,
कहाँ किया है? चांदीपुर में किया है। ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पर राइट आंसर होगा। हाल ही में इसरो ने SSANC की स्थापना कहाँ की है? कहाँ की है? बेंगलुरु में की है। ऑप्शन नंबर सी हमारा फ्रेंड्स यहाँ पर राइट आंसर होगा। हाल ही में इसरो ने SSANC की स्थापना कहाँ की है? बेंगलुरु में की है। ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पर राइट आंसर होगा। राइट आंसर होगा फ्रेंड्स आज का आपका क्वेश्चन है, आज का फ्रेंड्स आपका क्वेश्चन है SSANC की फुल फॉर्म क्या है? SSANC की फुल फॉर्म क्या है फ्रेंड्स? ये आपका आज का क्वेश्चन है। आप लोग सभी लोग कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे, अगले वीडियो में हम आपको इसका आंसर बता देंगे। तो फ्रेंड्स ये थे आज के हमारे क्वेश्चन। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करें। दोस्तों अगर आप लोग पहली बार यहाँ पर आए हैं तो आप लोग जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ में बेल आइकन पर भी क्लिक कर लेंगे। दोस्तों चलिएगा आज के लिए स्टूडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड बाय। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।